नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलता हूँ दोस्तों रिजल्ट की तरफ। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर्स हैं वो लैक्स में हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ सेल एंड सर्विस देखेंगे तो 417 करोड़ आई है, जो पिछले क्वार्टर में 394 करोड़ थी, एक साल पहले मात्र 349 करोड़ थी। ह्यूज जंप है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही स्तरों पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जंप है, खास करके ईयर ऑन ईयर। और इन रिजल्ट को हमको ईयर ऑन ईयर देखना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देखेंगे तो ये 60.5 करोड़ के हैं, जो पिछले क्वार्टर में 57.26 करोड़ थे और एक साल पहले ये 51.59 करोड़ थे। आप इन दोनों को जोड़ लें तो प्योरली रेवेन्यू देखेंगे तो 356.53 करोड़ आया है, जो एक साल पहले मात्र 297.67 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले ये 336.68 करोड़ थे। अदर इनकम जो इस बार 14.35 करोड़ आई है, जो एक क्वार्टर पहले 15.23 करोड़ थी और एक साल पहले 8.68 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें, टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है माफ़ कीजिएगा 370.88 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 352.11 करोड़ थी और एक साल पहले 306.35 करोड़। दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर दोस्तों ये मोर देन 20% का रिटर्न है। जी हाँ, मोर देन 20% जंप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, खर्चों की तरफ। क्या खर्चों ने जो ये मस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसे ख़त्म तो नहीं कर दिया है? तो देखिए चलते हैं सीधा खर्चों की तरफ। तो जब हम एक्सपेंसेस की तरफ जाएंगे, सबसे पहला ऑपरेशनल कॉस्ट 69.39 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 55.87 करोड़ था, यहाँ काफ़ी जंप है, और एक क्वार्टर पहले ये 63.15 करोड़ थी। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशनल एक्सपेंसेस देखेंगे 89 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले ये 108 करोड़ थी और एक साल पहले 89 करोड़, ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर तो ये गिरावट है दोस्तों। अब एम्प्लॉयज़ का खर्चा कितना हुआ है, 134.35 करोड़, जो एक साल पहले 112.60 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले ये मात्र 119.93 ऑलमोस्ट 120 करोड़ आप कह सकते हैं। फिनेंस कॉस्ट 12.68 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 80 करोड़ थी, माफ़ कीजिए 8 करोड़ थी। और देखिए जो हायर इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 27.82 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 19.56 करोड़ थे और एक साल पहले दोस्तों 12.71 करोड़ था। बात करें अदर एक्सपेंसेस की तो ये 54.16 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 44.54 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले दोस्तों 50.85 करोड़ रुपीस था। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 387.45 करोड़, जो एक साल पहले 374.42 करोड़ था और माफ़ कीजिए एक क्वार्टर पहले 374.42 करोड़ था और एक साल पहले 323.00 करोड़ थे। आप इन सबको जब जोड़ लिए तो ये आया। तो प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ इस बार, 16.5 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हाँ, जो एक साल पहले 60.65 करोड़ था तो लॉस यहाँ कम हुआ है, एक क्वार्टर पहले 22.31 का लॉस था। यानी कि आप देखें तो यहाँ पर लॉस वापस से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है, और आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं हो पाई है बट लॉस थोड़ा बहुत कम हुआ है। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में जाएंगे ना यहाँ दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पाएंगे कि 7 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले 12.32 था, एक क्वार्टर पहले ये 14 करोड़ था, यानी लॉसेस क्वार्टर क्वार्टर हाफ हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है ईपीएस जब आप देखेंगे ना तो ईपीएस अभी भी नेगेटिव है दोस्तों। ईपीएस क्या है, अभी भी कंपनी की डिविडेंड कह सकते हैं नेगेटिव है, और यही कारण है कि ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर डेट करेंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो अभी काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन कंपनी ना आप कह सकते हैं प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। ठीक है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ छोटी सी एनालिसिस आप साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।